दोस्तों, बड़ा अपडेट विक्रम और प्रज्ञान को जगाने के लिए आखिरी उम्मीद को लेकर भेजे गए सिग्नल रोवर में पहले से हुई ज्यादा गर्मी। रोवर अब उठेगा। उठो विक्रम, उठो प्रज्ञान। दोस्तों, हम भारत से 140 करोड़ भारतीय तुम्हारे उठने का इंतजार कर रहे हैं। अब तो उठ जाओ ना। क्या हुआ है तुम्हें? कुछ तो बताओ, कुछ ऐसा ही हल। अब हर एक भारतीय का है लैंड और विक्रम और रोवर पर ज्ञान के उठने का इंतजार। हर एक भारतीय पिछले 4 दिनों से कर रहा है। आज के चंद्रयान 3 के ताजा अपडेट के अनुसार शाम 3:45 पर एक बार फिर इसरो वैज्ञानिकों के द्वारा वापस से चंद्रयान 3 को उठाने का प्रयास किया गया, लेकिन सफलता नाम की वैज्ञानिकों ने आज चंद्रयान टीम को उठाने के 2 अलग-अलग प्रयास किया। पहले तो इसरो वैज्ञानिकों के द्वारा प्रोफेशनल मॉड्यूल के सहारे से चंद्रयान 3 के कैलेंडर को जगाने का प्रयास किया, लेकिन उसमें सफलता क्या मिलने के बाद दूसरे प्रयास में चंद्रयान 2 के और बेटा के सहारे से चंद्रयान 3 से संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया गया, लेकिन फिर भी सफलता नहीं गिरती। चांद पर सूरज को यूज गए हो चुके हैं 20 सितंबर 2023 से। चांद पर सूरज निकला हुआ है, चांद के दक्षिणी ध्रुव पर धूप भी पहुंच चुकी है, लेकिन फिर से विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को जगाने की सारी खुशी से असफल साबित हो रही है। इसरो वैज्ञानिकों के लगातार प्रयासों के बाद भी विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर अपनी कुंभकर्णी नींद से जागने का नाम ही नहीं दे रहे हैं। सितंबर 2020 को उनके लैंडिंग पॉइंट यानी शिव शक्ति पॉइंट पर सूरज उग चुका था, उसकी रोशनी पहुंच गई थी। 2 दिन चार्ज करने के बाद 22 सितंबर 2020 को चांद पर जगने का प्लान था, लेकिन विक्रम और प्रज्ञान की आंखें उसे रोशनी से छोड़ दिया नहीं रही है। ऐसा लगता है कि उनकी सांसें हमेशा हमेशा के लिए हम गई हैं। 22 सितंबर 2023 से लगातार इसरो की टीम विक्रम लैंडर को संदेश भेज रही है। अगले कुछ दिनों तक और संदेश भेजते रहेंगे, जब तक फिर से वहां सूरज अस्त नहीं होता और चांद पर रात फिर से नहीं हो जाती। ऐसा लग रहा है कि चंद्रयान 3 मिशन का सफलतापूर्वक अंत हो चुका है। भारत में दुनिया को जो दिख रहा था वह दिखा दिया। अब हमारा चंद्रयान चांद पर कभी नहीं उठ पाएगा। चांद पर चंद्रयान 3 के सफर का अंत हो चुका है। रात में चांद के दक्षिणी ध्रुव का तापमान 210 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला गया था। अपमान पर कोई भी प्लास्टिक मटेरियल, कार्बन फाइबर मटेरियल और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम सही हालत में बचाना गरीब गरीब नामुमकिन होता है। यह टूटकर बिखर सकती है। चांद के दक्षिणी इलाके का तापमान 204 डिग्री सेल्सियस तक गिरने पर बैटरियां खराब हो गई होगी। इसके बाद चांद पर सूर्य के निकलने पर इनका फिर से चार्ज होना नामुमकिन हो रहा है। ये ठीक उसी तरह होगा जैसे किसी डीप फ्रीजर से किसी इलेक्ट्रॉनिक आइटम को निकालकर चलना चंद्रयान 3 को। वैसे तो 14 दिन तक काम करने के लिए ही डिजाइन किया गया था, लेकिन भारतीयों की भर्ती उम्मीदों को देखकर इसरो वैज्ञानिकों ने अंत में चंद्रयान को लेकर अपना प्लान बदल दिया और इसको वापस उठने की उम्मीद में 10 दिन बाद ही चांद पर स्लीप मोड में डाल दिया। सोने से पहले दोनों की बैटरी फुल चार्ज थी। प्रज्ञान की सोलर पैनल्स सूरज की तरफ थे ताकि उगते ही सूरज की रोशनी सीधी उन पर पड़े, उम्मीद थी मिलने पर वह फिर से एक्टिव होंगे, लेकिन ऐसा हो रहा था। अभी शिव शक्ति पॉइंट पर सूरज की रोशनी 8.5 डिग्री एंगल पर पड़ रही है, यानी सूरज की रोशनी विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर पर रही है 6 से 9 डिग्री एंगल पर। सूरज की रोशनी इतनी ऊर्जा देने की क्षमता रखती है कि विक्रम नींद से जाग जाए। अगर नहीं जग रहे हैं तो बहुत अधिक संभावना है कि उनके अंदर किसी तरह की तकनीकी दिक्कत आ चुकी है। 22 सितंबर 2023 की सुबह यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने विक्रम को लगातार संदेश भेजा था, लेकिन लैंड आर से कमजोर रिस्पांस मिल रहा था, यानी उसके पास से जिस तरह की ताकतवर रेडियो फ्रीक्वेंसी आनी चाहिए वह नहीं आ रही थी। विक्रम 2268 मेगाहर्ट्ज का वीडियो उत्सर्जन कर रहा था। चंद्रयान लगातार बार बार ऑन ऑफ सिग्नल, चंद कभी नहीं। विक्रम का ट्रांसपॉन्डर आरसी फ्रीक्वेंसी का है, उसे 200-231 की करेंसी पर काम करना चाहिए, लेकिन वह 2268 मेगाहर्ट्ज का सिग्नल दे रहा है। यह जानना जरूरी है कि विक्रम और प्रज्ञान दोनों को सिर्फ 14-15 दिनों के मिशन के लिए ही बनाया गया था। वह पूरा हो चुका है, उससे ज्यादा समय को वहां पर बिता चुके हैं। अगर यह जग जाते हैं तो यह किसी वैज्ञानिक चमत्कार से काम नहीं होगा, लेकिन ऐसा होना अब मुश्किल दिख रहा है क्योंकि 120 से 240
डिग्री सेल्सियस तापमान, इनमें लगे यंत्रों के सर्किट उड़ने का खतरा था। लगता है कि उनके इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स की सर्दी बर्दाश्त नहीं का। अगर सर्दी बार दस्त किया, यंत्र चंद्रयान 3 में लगाए जाते तो प्रोजेक्ट की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसरो के पास इतना बजट नहीं था। विक्रम लैंडर को जब सुलाया गया था तब उसकी एक सर्किट को जागते रहने का निर्देश दिया गया था ताकि वह इसरो का 22 सितंबर को भेजो जाने वाला मैसेज रिसीव कर ले। इसरो लगातार संपर्क कर रहा है लेकिन विक्रम रिएक्ट नहीं कर रहा। वैसे आज की अपडेट के अनुसार खबर है कि चंद्रयान कैलेंडर और रोवर का तापमान पहले से काफी गर्म हो चुका है और उनके जागने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। चंद्रयान को जगाने के लिए और हर एक भारतीयों को खुशी देने के लिए अब आप सब एक भारतीय की प्रार्थना की बेहद जरूरत है। अगर आप भी चाहते हैं कि हमारा चंद्रयान 3 वापस से उठ खड़ा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में चंद्रयान के लिए प्रार्थना जरूर करके जाएं। प्रज्ञान दोस्तों, जल्दी ही हमें कुछ नए समाचार देखने को मिलेंगे जरूर, क्योंकि दोस्तों हमारे इसरो के वैज्ञानिक लगातार हमारे चंद्रयान 3 को जगाने के लिए लगे पड़े हैं। देखते हैं कब तक यह सफलता को प्राप्त कर पाते हैं। पूरी कोशिश की जा रही है चंद्रयान 3 को द्वारा नींद से जागने की, लेकिन अब देखा जा सकता है कि क्या होता है आगे चलकर। अब इसके ठीक कुछ दिन के बाद यहाँ पर हमारा इसरो समुद्र मिशन भी करने वाला है। पहले ही उन्होंने जो कहा था कि समुद्र मिशन करने वाले हैं तो वह भी यहाँ पर जल्दी होगा, तो उसका भी काफ़ी ज़्यादा आपको अपडेट मिलेगी, उसमें सफल रहते हैं या नहीं रहते हैं, क्योंकि इसरो कुछ ऐसी चीज़ बनती है कि उसमें ज़रूर सफल होती है। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो इस अच्छी जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों में फैलाएं, जिससे आपके दोस्त और रिश्तेदार भी कुछ अच्छा सीख पाए। साथ ही आप भी वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं, आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आती रहेगी। इसलिए अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लें।